हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत। आज बात करेंगे पार्ट टू, सोइल वाटर इफेक्टिव एंड न्यूट्रल स्ट्रेसेस। रिमेनिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करें। राइज इन टेम्परेचर, जो हमें इसके अंदर पोजीशन बतानी है, सोइल सेक्शन से राइज इन टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। तो एक्चुअली ये जो है सरफेस टेंशन से रिलेट करता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, यानी कि आपकी सोइल सेक्शन कैपेसिटी भी कम हो जाती है। विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सॉइल सेक्शन? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर एक इसके अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो दिखता है हमें, तो जो सॉइल सेक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं करता है। फ्रॉस्ट हीव इज डिफाइंड एज द फ्रॉस्ट हीव होता है राइज ऑफ ग्राउंड वाटर सरफेस। आगे देखें, इफ द वाटर रेशियो इज 40% इन सैचुरेटेड सॉइल देन द एक्सपेंशन ऑफ द सॉइल विल बी। यानी कि इसका अगर हम देखें तो एक्चुअली होता यह है कि जब 9% अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वाटर जो होता है वो आपका कन्वर्टेड हो जाता है इनटू आइस, देयरफॉर जो एक्सपेंशन होता है वो हो जाएगा आपका 9%, यानी कि आपकी जो सोइल के अंदर एक्सपेंशन होगा वो 40% का 9% अगर हम देखेंगे तो 3.6% निकल के आता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ सोइल व्हाट आर द प्रोन टू फ्रॉस्ट एक्शन? तो ऐसी कौन सी टाइप ऑफ सोइल है जो फ्रॉस्ट एक्शन से इफेक्टिव है, यानी कि वो होती है सैंड एंड सिल्ट्स। क्योंकि सोइल्स हैव लार्ज कैपिलरी राइज। What is the maximum capillary tension for a tube of 0.05 mm diameter at 4 degree Celsius? Numerical based question. Formula अगर आपको पता है आप इस question को निकाल देंगे, तो formula आपको पता होना चाहिए। A well graded soil is said to be frost susceptible if more than, तो याद करने वाला question है, 3% particle अगर आपके smaller होंगे जो इसके अंदर साइज़ दी हुई है 0.002 mm, तो आपकी वेल ग्रेडेड सोइल उसको फ्रॉस्ट ससेप्टेबल होगी। आगे देखें, द ग्राउंड सरफेस अप टू विच वाटर फ्रीज इज कॉल्ड इज, इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ पर वाटर आपको फ्रीज होता है तो उस हम इसे कहते हैं फ्रॉस्ट लाइन। फ्रॉस्ट लाइन से एक लाइन रेफरेंस लाइन मानते हैं वाटर आपका फ्रीज होता है। एट एनी प्लेन पोर प्रेशर इज इक्वल टू, पोर प्रेशर अगर हम बात करते हैं पोर प्रेशर, तो पोर प्रेशर होता है यानी कि अगर हम वहाँ पर एक पीजोमीटर अगर इंसर्ट करते हैं सोइल के अंदर, तो एक हमें उस पीजोमीटर के अंदर एक हेड निकल के आता है, तो अगर हम उसको वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पोर प्रेशर निकल के आ जाता है। देन न्यूट्रल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो जो न्यूट्रल प्रेशर जो होता है वो पोर फ्लूड के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, क्योंकि जो न्यूट्रल प्रेशर होता है शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वॉइड रेशियो प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ द फ्रॉस्ट बॉइल्स, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फ्रॉस्ट बॉयल से इफेक्टिव है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स। अगर इसका एक्सप्रेशन देखें, जब फ्रॉस्ट बॉयल्स के कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स होते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉइल फ्रीजेज इन द पोर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन, किस टेम्परेचर पर सॉइल फ्रीज हो जाती है पोर ऑफ द सॉइल के अंदर, तो वो डिपेंड करता है आपका पोर साइज पे। क्योंकि वाटर फ्रीज होता है अगर लार्जर पोर्स होंगे, और अनफ्रोजन रहेगा अगर आपका छोटे पोर्स होंगे। प्रेशर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू द सॉइल मास इज कॉल्ड, तो आपका जो प्रेशर होता है वो पार्टिकल टू सॉइल मास जो ट्रांसमिट होता है, तो हम उसे कहते हैं इफेक्टिव प्रेशर। द टोटल प्रेशर इन द सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ द डिस्टिंक कंपोनेंट, तो जो अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के प्रेशर होते हैं, इफेक्टिव प्रेशर जिसको इंटरग्रेनुलर प्रेशर भी बोलते हैं, और न्यूट्रल प्रेशर होता है और जिसको पोर प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट प्रेशर हैं सोइल स्टडी करते हैं हम। तो कुछ दोस्तों कुछ ये क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ
एग्ज़ाम्स की डेट भी फिक्स कर दी है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के अंदर, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। और अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। और दोस्तों, अब आपको थोड़ा स्टडी का, आपका मैनेजमेंट भी थोड़ा आपको सही करना होगा, किस तरीके से हमें, क्योंकि 4-5 दिन का समय बचा है, तो किस तरीके से हमें मैनेज करना है समय को, और किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, वो पूरे तरीके से आप ध्यान दें। धन्यवाद।